वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 2 अगस्त 2020 संडे रविवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। आम आदमी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण अपडेट है। सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान बड़ी घोषणाएं आपको बताएंगे। जी हां, राशन कार्ड को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही सरकार की तरफ से कौन सी योजना को आखिर बंद कर दिया गया आपको बताएंगे। मौसम समाचार भी जानेंगे। चीनी वायरस को लेकर आंकड़ों में कितनी बढ़ोतरी हुई वो भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी अपडेट्स पर फटाफट से नजर डालते हैं। पहली खबर आप देख पा रहे हो दोस्तों कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अब 4 और नए राज्य शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, अब देश के कुल 24 राज्यों में दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो चुकी है। शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लेकर एक अहम समीक्षा की बैठक की थी और इसमें जम्मू कश्मीर समेत 4 और नए राज्यों को जोड़ा गया। कौन कौन से राज्यों को? तो उनमें शामिल है एक तो मणिपुर, दूसरा नागालैंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। ये 4 राज्य अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ चुके हैं और देश के अब 24 राज्यों के 65 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बस कुछ ही राज्य बचे हैं, उनको भी सरकार जल्द ही इसमें जोड़ देगी, तो ये राहत की बात है। चलिए अगली खबर है कि खाने की कीमत के साथ साथ रेस्तरां के मेन्यू कार्ड में भी पोषण वैल्यू भी देख पाएंगे ग्राहक। जी हाँ, अगर आपको भी दोस्तों बाहर खाना पसंद है या होटल का खाने पीने की चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो हम आपके लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा। दरअसल होटल के मेन्यू के साथ साथ आइटम के नाम और लिस्ट तो आपको मिल जाती है, उनकी प्राइस भी देखने को मिल जाती है, लेकिन कौन सी चीज में कितना न्यूट्रिशंस है यानी कि कितनी पोषण वैल्यू है किस चीज की, वो भी अब आप उस लिस्ट के साथ मेन्यू लिस्ट के साथ देख पाओगे। जी हाँ, ऐप SSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना दोस्तों, इसने अपने इट राइट इनिशिएटिव नियम के तहत ये एक नया फैसला लागू करने का प्लान बनाया है, जिसके तहत फूड चेन जॉइंट से कहा जाएगा कि वो अपने खाने के पोषक मूल्य की जानकारी भी दे। तो अब इन चीजों के ऊपर पोषक की जानकारी भी देनी होगी, दूध वगैरह से बने प्रोडक्ट, अंडे, मछली हो गया वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पीएम मोदी बोले, बेहतरीन साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज लीडर्स हमने दुनिया को दिए हैं। जी हां, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को संबोधित किया, उसके ग्रैंड फिनाले को, और इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई सारी अच्छी बातें बताई। पीएम मोदी ने ये भी कहा दोस्तों कि नई शिक्षा नीति से भारत बनेगा शिक्षा का ग्लोबल हब है और अब हर किसी के पास एक अच्छी शिक्षा पहुंच सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति पर मुझे हमेशा से भरोसा रहा। ये भरोसा क्यों है? क्योंकि ये देश के युवाओं ने बार बार साबित किया। नई एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाई गई है। तो ये कई सारी बातें चर्चाएं उन्होंने की, अच्छी बात है, भारत को लेकर बातें अच्छी अच्छी बताई है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों कि अब ऑनलाइन भी आपको घर मिलेगा। जी हां, ऑनलाइन घर खरीद सकेंगे। रेंटल हाउसिंग में सरकार जल्द ही देगी 100% FDI की मंजूरी और बहुत जल्द दोस्तों 2,70,000 से भी ज्यादा रेडी टू मूव फ्लैट की मेगा सेल ऑनलाइन शुरू होने जा रही है। जी हाँ, दरअसल आप ऑनलाइन शॉपिंग तो जरूर करते होंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह वगैरह से, जहाँ पर आप अपने घर के होम अप्लायंस हो गए या बहुत सारी आपकी काम की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो जरूर मंगाते होंगे, राइट? लेकिन अब आप ऑनलाइन चीजों के साथ साथ आशियाना को भी खरीद पाओगे, अपने घर को भी खरीद पाओगे। इसको लेकर सरकार एक भारत का पहला आवास ई कॉमर्स पोर्टल तैयार करने जा रही है। रेरा के साथ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म भी बनेगा और सही ऑफर्स के साथ आपको सही दाम में घर भी मिलेगा। जी हां, श्री हरदीप सिंह पुरी जो कि मंत्री आवास और शहरी मामले के भारत सरकार के हैं, उन्होंने ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है और शहरी भारत में लोगों के लिए हाल ही में स्वीकृत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग पॉलिसी नॉलेज पैक को भी लॉन्च किया। नए और इनोवेटिव ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने पर नारेडिको ने बधाई देते हुए श्री हरदीप सिंह पुरी मंत्री आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने कहा कि ये वाकई में एक सरकार की अच्छी पहल और पॉलिसी है, तो बहुत जल्द दोस्तों आपको ऑनलाइन ये सुविधाएं देखने को मिलेगी। चलिए साथ ही अगली खबर है कि भारतीयों के लिए खुशखबरी है, UAE में अब 2 दिनों के अंदर होगा पासपोर्ट का नवीनीकरण। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात UAE में अब अगर आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाना चाहते हैं ना, तो भारतीयों के लिए गुड न्यूज है। अब महज आप 2 दिनों के अंदर अंदर अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण यानी कि रिन्यू करा पाओगे। इसके लिए नई संचालन प्रक्रिया अगस्त महीने से शुरू होने जा रही है। गल्फ न्यूज ने ये बात की खबर दी है, ताकि जो हमारे भारतीय लोग UAE में रह रहे हैं ना, उनके भारतीय प्रवासियों के पासपोर्ट आवेदन को स्वीकार जल्द किया जाएगा और उनको जल्द ये सुविधा मिलेगी, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि चीन की गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। एप्पल ने चीनी प्लेटफॉर्म से 29,800 से भी ज्यादा एप्स को हटा दिया। जी हाँ, इतने दिन क्योंकि दोस्तों एप्पल खुद एक चीनी कंपनी ही थी, क्योंकि एप्पल के ज्यादातर ऑफिसेज और प्रोडक्शन हाउस चीन में ही थे, राइट? लेकिन हाल ही में मीडिया में आपने खबरें भी देखी होगी, चीन ने भारत में भी अब 11 प्रो का निर्माण भी चालू कर दिया। iPhone SE वगैरह का प्रोडक्शन भी भारत में, कई सारे एप्पल के प्रोडक्शन हाउस चालू हो चुके हैं। ऐसे में अब दोस्तों
दूं, एप्पल कंपनी खुद अपने प्लेटफॉर्म से चीनी एप्स को हटा रही है। कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा, भारत सरकार ने भी चाइना के 59 से भी ज्यादा एप्स को डिलीट कर दिया था, भारत में बैन कर दिया, प्ले स्टोर वगैरह से भी हटा दिए गए, जिसमें टिकटॉक वगैरह भी शामिल थे, राइट। और उसके बाद आप देखिए खबर की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया 24 घंटे के अंदर अंदर बंद करेंगे टिकटॉक। जी हाँ, लगता है टिकटॉक की आखिरी टिक चालू हो चुकी है। वक्त अब टिकटॉक के पास बस बहुत कम ही बचा, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश टिकटॉक को बैन करने में लगे हैं। भारत में ऑलरेडी बैन हो चुका, अमेरिका में भी अगले 24 घंटों के दौरान हो ही जाना। जी हाँ, भारत के बैन के बाद दोस्तों एक महीना भी टिकटॉक कंपनी जो है ना भारत के विरोध को नहीं झेल पाई। और अब टिकटॉक कंपनी के पास नौबत ये आ गई कि कंपनी बिकने को भी तैयार हो गई। एक चाइनीज कंपनी के हालात देखिए दोस्तों, भारत में बैन के बाद क्या असर पड़ा। जी हाँ, अब टिकटॉक बिकने के लिए बात कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ चर्चा कर रही है, साझेदारी कर रही है कि माइक्रोसॉफ्ट इसको खरीद ले। टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट खरीद भी सकती है, हालांकि इस बिजनेस डील पर सोमवार तक कोई फाइनल फैसला संभव हो सकता। अभी तक सिर्फ मार्केट में चर्चाएं चल रही, मीडिया रिपोर्ट चल रही, देखते हैं और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल एक अगली खबर देख सकते हैं, रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक नई सौगात देखिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 24 घंटे बिल्कुल फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, यूपी सरकार ने बहनों को तोहफा देते हुए रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा का गिफ्ट दिया है। और मिठाई की दुकानें भी लॉकडाउन के दौरान भी खुली रहेगी। इसके अलावा महिलाएं अगर रोडवेज वगैरह बसों से कहीं पर भी आ जाती है ना, तो उनका किराया नहीं लगेगा। कल ही राजस्थान सरकार ने भी ये सुविधा दी थी, मैंने आपको बताया था, और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ये नई सुविधा दी जाएगी, ठीक है, जिसमें रक्षाबंधन के दिन अगर महिलाएं बसों वगैरह में इधर उधर जाती तो उनका किराया नहीं लगेगा, ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव, 5 साल में 11 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन भारत में बनाए जाएंगे और इस नई प्लानिंग से 12 लाख रोजगार भी पैदा होंगे। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा नरेंद्र मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ाने में बहुत जोरों शोरों से लगी हुई है। इसी के चलते कई सारी कंपनीज वगैरह को भी बैन कर दिया, भारत में कई सारे नियम चेंज कर दिए, FDI वगैरह में भी बदलाव किया गया, चाइना से कई सारी चीजों के आयात को भी बंद कर दिया गया। और ऐसे में अब दोस्तों एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर समेत सैमसंग, लावा और डिक्शन जैसी कंपनियां अगले 5 साल में देश में 11 लाख करोड़ रुपए की मोबाइल डिवाइसेज और इसके उपकरण बनाएगी। इन मोबाइल और डिवाइस का निर्माण सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली नई स्कीम के तहत किया जाएगा, PLI के लिए किया गया आवेदन। एक सूत्र के मुताबिक स्कीम के तहत प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का लाभ लेने के लिए कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के पास एक प्रस्ताव भी जमा किया है और इसके मुताबिक ये प्लानिंग बनाई जा रही है। इससे लाखों लोगों को तो दोस्तों भारत में रोजगार मिलेगा और एटलीस्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का निर्माण होगा, बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान भी ज्यादा सफल सक्सेसफुल होगा, है ना। इसी मौके पर IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ये दावा किया कि अगले 5 साल में मोबाइल फोन से स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा हमारा भारत, तो भारत के लिए देश और दुनिया में गौरव की बात होगी। चलिए साथ ही अब बात करें अगली खबर में चीनी वायरस को लेकर क्या मसले चल रहे हैं। जी हाँ, भारत में अभी तक के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 55,000 नए मामले देखे गए, 55,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि 24 घंटों में 844 मरीजों की जान गई और अब तक भारत में टोटल जान जाने वाले मरीजों की संख्या 37,403 तक पहुंच चुकी है। भारत में एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो कुल संक्रमित केस 54,000 बढ़कर 17,51,000 कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें से 5,67,000 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 11,46,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, यानी कि इन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। वहीं दोस्तों इस चीनी वायरस की महामारी के चलते भारत में कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या 37,403 तक पहुंच चुकी है। तो ये तो रहे भारत के ताजा आंकड़े, राइट। और आइए अब बात करते हैं चीनी वायरस पर और एक खबर देख पा रहे कि चेन्नई में कोरोना वायरस मामलों ने 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया, महज एक बड़े महानगर में देखिए आप 1 लाख से ऊपर निकल चुकी संख्या, 2140 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है चेन्नई में। आइए अब बात करते हैं आज के ताजा मौसम समाचार, वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर क्या खबर आ रही है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में अभी बाढ़ के हालात क्या चल रहे हैं। तो बिहार में बाढ़ से अभी भी हाल बेहाल है, लगातार बारिश के कारण कोसी और बागमती दोनों नदियां लाल निशान के ऊपर चल रही है, यानी कि रेड अलर्ट से ज्यादा ऊपर चल रही है। 44 लोगों की बिहार में अब तक बाढ़ के चलते जान जाने की खबर है। ये कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। कई राज्यों में किसानों को बारिश की जरूरत है उनकी फसल के लिए, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। आलम यह है दोस्तों दूसरे राज्यों में की बाढ़ आ रही है, अब दोनों ही राज्यों के किसानों की फसलें इन प्राकृतिक घटनाओं की वजह से खराब हो चुकी है ना। हालांकि प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के तहत सरकार मुआवजे वगैरह भी देती है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट देश को इकोनॉमिकली नुकसान तो होता ही है। संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों, तो आज 2 अगस्त को अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की से
मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं हरियाणा, पंजाब, गंगे, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए अब नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ और खबरों पर, जहां देख पा रहे कि लॉकडाउन के बाद सामान्य पैसेंजर ट्रेन के समय में बदलाव देखने को मिलेगा। आपको नया टाइम टेबल तैयार हो चुका, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने खुद ये बात बताई है। जी हाँ, बहुत जल्द इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल अपडेटेड देखने को मिलेगा। आपको पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाएगा कि आखिर कौन सी ट्रेन कितने बजे किस रूट पर किस स्टेशन पर पहुंचेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी, तो चेक कर लीजिएगा ना। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं। इम्यूनिटी पर फोकस करते हुए अमूल डेयरी ने हल्दी दूध के बाद अब हल्दी की एक आइसक्रीम को भी लॉन्च किया है, जो कि रोगों से लड़ने में मदद करेगी, ऐसा कहना कंपनी का। ये कोई मार्केटिंग प्रमोशन नहीं है दोस्तों, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, इसके बारे में एक अपडेट है, ठीक है। साथ ही खबर है कि हरियाणा सरकार की तरफ से रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया है, 10 नए सरकारी गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा की है। जी हाँ, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के नेतृत्व वाली बीजेपी गठबंधन सरकार ने राज्य के 9 जिलों में 10 नए सरकारी गर्ल्स कॉलेज खोलने का फैसला किया। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री 3 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर करेंगे। इन 9 जिलों में यमुनानगर, सोनीपत, सिरसा, केथल, हिसार, भिवानी, पंचकुला, जिंद और नूह शामिल है। क्योंकि राज्य के पिछड़े जिले नूह में 80% आबादी मुसलमानों की है, तो सरकार ये प्लानिंग बना रही है कि यहाँ पर सब जगहों पर अलग अलग गर्ल्स कॉलेज खोले जाएं। अच्छी बात है। साथ ही खबर है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से पराली जलाने को लेकर रोकने के इंतजाम के बारे में पूछा है। दरअसल आपको पता होगा, जब फसलें कटती हैं और उसके बाद पराली वगैरह जलाई जाती है तो वातावरण काफी दूषित होता है। किसान तो अपने खेतों में पराली जला लेते हैं, लेकिन इसके चलते ऑल ओवर प्रदूषण बढ़ जाता है, राइट। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी राज्यों से कहा कि ये राज्य जो है ना, इनकी सरकारों ने पराली जलाने से रोकने को लेकर किसानों के लिए क्या उपाय या प्रबंध किए, ये सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा ना। देखते हैं अब और क्या नए अपडेट आते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि स्मार्टफोन के बिना आखिर ऑनलाइन क्लास कैसे पढ़ेंगे बच्चे। चीनी वायरस के चलते भारत में 24 करोड़ से ज्यादा स्कूली बच्चे अभी घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, हाल ही में एक सर्वे में बात सामने आई है। लेकिन कई परिवारों के पास स्मार्टफोन खरीदने के पैसे भी नहीं है, इंटरनेट के भी नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है दोस्तों कि भारत इस चीनी वायरस की महामारी के लॉकडाउन के दौरान अच्छी शिक्षा कैसे मैनेज कर पाएगा, क्योंकि आज भी कई गरीबों के पास एक अच्छा ढंग का मोबाइल फोन भी नहीं होता जिसमें कि वो ऑनलाइन क्लासे ले सके या पढ़ाई कर सके। इसीलिए तो कल ही मैंने आपको एक सरकार की, राज्य सरकार की स्कीम भी बताई थी, प्रोबेबली ये पंजाब वगैरह की होगी। तो वहाँ पर सरकार सभी स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स जो है ना, छात्राएं, उनको एक एक मोबाइल फोन देने का ऐलान किया 9वीं से 12वीं तक। तो इस तरह से सरकार की एक अच्छी पहल है ना? साथ एक खबर है कि CISF कर्मियों को देनी होगी FB यानी कि फेसबुक और ट्विटर अकाउंट की ID, नहीं तो होगी कार्यवाही। जी हाँ, CISF जवानों के लिए नई गाइडलाइन निकाली गई है। अब इन जवानों के कर्मचारियों को ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सभी सोशल मीडिया मंचों पर इस्तेमाल में लाई जा रही अपनी खुद की यूजर आईडी का खुलासा संबंध इकाई के समक्ष करने का निर्देश जारी किया गया। जो कोई व्यक्ति छुपाने की कोशिश करेगा उस पर कार्यवाही होगी, और बाकी ये प्रशासन का अच्छा फैसला है। साथ एक खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने बंद की ये योजना, अब नहीं मिलेंगे 10,000 रुपए प्रति महीने। जी हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम को स्टॉप कर दिया, योजना को बंद कर दिया। कौन सी? तो दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को देश में कैदियों के लिए शुरू की गई पेंशन स्कीम को बंद कर दिया। राज्य सरकार जुलाई 2018 से लाभार्थियों पर सालाना 42 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, और इसमें जो जेल में बंद कैदी है ना, उनको पेंशन वगैरह दी जा रही थी। लेकिन सरकार ने अब इस योजना को बंद कर दिया और उन कैदियों को अब 10,000 रुपए सरकार की इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये फैसला है ना। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की चीनी वायरस के काल में भी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने कमाल करके दिखाया है। आर्थिक मंदी के डर के बीच भी बैंक ने करोड़ों रुपए की कमाई की है। जी हाँ, अभी जो पिछले 3-4 महीने से दोस्तों लॉकडाउन वगैरह चल रहा था ना, इस दौरान भी भारतीय स्टेट बैंक का मुनाफा काफी अच्छा रहा। अप्रैल, मई, जून इन 3 महीने का मुनाफा जो है ना, वो 81% बढ़कर 4,189 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये शुद्ध नफा है भारतीय स्टेट बैंक SBI का, जरा सोचिए आप। अच्छी बात है, बैंकों की प्रणाली में कमाई होनी चाहिए। साथ ही खबर है दोस्तों की राजस्थान राज्य के कोटा में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कर दी गई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको शुभारंभ किया। अच्छी पहल है राजस्थान स्टेट के लिए। साथ ही बड़ी खबर देख सकते हैं कि 4 अगस्त से शुरू होगा भारतीय टीम का कैंप। राज्य सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। जहां चीनी वायरस के प्रोटोकॉल के तहत खिलाड़ियों, कोचों और सहायक कर्मचारियों को 14 दिनों तक पृथकवास यानी कि क्वारंटीन रहना पड़ेगा। और ऐसे में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें 4 अगस्त को बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई के परिसर में अपने राष्ट्रीय शिविर के लिए वापस आ जाएंगे। लेकिन चीनी वायरस के प्रोटोकॉल के तहत एथलीटों, कोचों और सहायक कर्मचारियों को 14 दिनों तक अलग रहना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से चीनी वायरस के बढ़ते मामलों के बीच जूझ रहे कर्नाटक सरकार से अनुमति मिलने के बाद साई ने बड़ा फैसला लिया है। अच्छी बात है। चलिए साथ ही
खबर देख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक बड़ा फैसला है, स्वदेशी वेंटिलेटर के निर्यात को भी मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, अब हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। इसकी एक और मिसाल आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने चीनी वायरस की महामारी से मृत्यु दर में लगातार गिरावट को देखते हुए देश में निर्मित वेंटिलेटर के निर्यात को भी मंजूरी देने का फैसला किया। बाकी शुरुआत में मीडिया में कैसी खबरें चल रही थी, जब ये लॉकडाउन वगैरह लगा था तब भारत के पास ये नहीं है वो नहीं है, जांचें बहुत कम हो रही थी, स्वास्थ्य उपकरण नहीं थे, तो सरकार ने काफी अच्छी व्यवस्थाएं बना दी पिछले 3-4 महीनों के दौरान ही। और अब हालत यह है दोस्तों कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में निर्यात बढ़ रहा है और एटलीस्ट केंद्र सरकार ने चीनी महामारी से मृत्यु दर में गिरावट को देखते हुए देश में निर्मित वेंटिलेटर के निर्यात को भी मंजूरी दे दी है। आज भारत एक्स्ट्रा सामान बना रहा है जो दूसरे देशों को भेज रहा है, तो ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं, जल्द ही देश में मिलेंगे सिर्फ BIS प्रमाणित हेलमेट, सरकार ने इसको लेकर भी नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ, आजकल देश में कई जगहों पर हेलमेट लगाना कंपलसरी कर दिया, ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग भी ऑलरेडी है ही, लेकिन फिर भी राज्य सरकारों ने भी कई जगहों पर ऐसे फैसले लिए। और ऐसे में दोस्तों सड़क दुर्घटनाओं में दुपहिया वाहन चालकों को अधिक सुरक्षा के प्रयासों के तहत सरकार ने हेलमेट को भी अनिवार्य मानकीकरण करते हुए इसका एक मानक ब्यूरो भी तैयार किया, और इसे एटलीस्ट अब आपको अच्छी क्वालिटी के हेलमेट वगैरह ही बाजार में देखने को मिलेंगे। साथ ही खबर है कि सरकारी कंपनियों की रणनीतिक बिक्री पर वित्त मंत्री ने अहम जानकारी दी है, जल्द ही जारी होगी लिस्ट। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बताया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी कि PUES की रणनीतिक बिक्री का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि हर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 से ज्यादा सरकारी कंपनियां नहीं होगी, इसलिए सरकार कई कंपनियों का मर्ज मेल मिलाप भी कर रही है। इसके अलावा कई कंपनियों को सरकार प्राइवेटाइजेशन भी करने जा रही है यानी कि बेचने जा रही है, तो ये प्लानिंग है। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं कि इस रक्षाबंधन पर पंजाब नेशनल बैंक सुविधा कार्ड के साथ कहें धन्यवाद। जी हां, इस बार रक्षाबंधन पर आप PNB के ATM कार्ड का उपहार देकर मना भी सकते हैं। इस कार्ड को रिचार्ज करना उतना ही आसान है जितना आसान किसी मोबाइल फोन को रिचार्ज करना। दरअसल दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने अपने प्रीपेड ATM डेबिट कार्ड जिसका नाम है सुविधा, इसके साथ सुरक्षा के बंधन का यह त्योहार भी मनाया है। इस त्योहार के मौके पर PNB की तरफ से यह कार्ड निकाला गया। PNB सुविधा कार्ड अनेक गुणों का कैशलेस प्रीपेड ATM डेबिट उपहार कार्ड है। कार्ड को रिचार्ज करना उतना ही आसान जितना मोबाइल फोन को मैंने आपको बताया। कुल मिलाकर के दोस्तों पंजाब नेशनल के द्वारा जारी ये ऐसा कार्ड है जिसका पहले आपको रिचार्ज कर लो 200 का 500 का जो भी जरूरत है, फिर उतने रुपयों का आप ATM के रूप में किसी भी सुविधा से वापस इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये पंजाब नेशनल बैंक की एक नई पहल है, आप भी चाहें तो काम में ले सकते हैं और अपनों को गिफ्ट भी दे सकते हैं इस तरह का कार्ड। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि भारतीयों के लिए ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है या ऐसा कौन सा कार्ड होता है जिससे कि ये साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति भारतीय नागरिक है। कोई भी एक ऐसे कार्ड का नाम आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही सही जवाब देने वाले भारतीय नागरिकों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दे जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।